हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ हॉस्पिटल में और मेरी डिलीवरी जो है वो हो गई है। वैसे हमारा जो डिलीवरी का डेट था वो था 17 मई को, लेकिन उससे एक दिन पहले हुआ है और अभी सब कुछ ठीक है। बट मेरे बेबी में थोड़ा सा बेबी को प्रॉब्लम था सांस लेने में, इसलिए उसको NICU में रखा है। और मैंने अभी तक अपना बेबी को देखा नहीं है, बहुत तरस रही हूँ देखने के लिए और वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब देंगे वो लोग। उन्होंने बोला मिनिमम 24 आवर्स तो रखेंगे, उसके बाद उसका सारा रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे कि कैसा है वो। तो बस उसी के वेट में हूँ और तरस रही हूँ देखने के लिए, पता नहीं कब मिलेगा वो मुझे। और बाकी तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। बस वही है कि बेबी जल्दी से आ जाए और वो हेल्दी हो, उसका सारा रिपोर्ट सही हो बस। और प्रियांशी का थोड़ा सा था ना कि जब बेबी होगा तो मुझे छूना है, टच करना है, देखना है, तो वो चीज़ नहीं मिला भी करने के लिए। वो लोग जैसे डिलीवरी हुई तो ला कर के बाहर हमारी फैमिली को दिखाए और बेबी को ले गए एडमिट करने के लिए, उसके बाद हम लोग को देखने को मिला नहीं। तो प्रियांशी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मुझे तो चाहिए, देखना है देखना है करके, तो उसको बस दूर से दिखा करके लेके आए हैं। और जब बेबी हमारा आ जाएगा तब हम आप सबको बताएंगे, दिखाएंगे। पहले मैं देख लूँ, उसके बाद आप सबको दिखाऊंगी कि कैसा है और क्या हुआ है, वो जेंडर रिवील भी करूँगी। वीडियो को देखिएगा ज़रूर, लेकिन अब भी मैं बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ। मेरे को बहुत मन कर रहा है कि मैं अपने बेबी को अपने गोदी में लूँ, बाहों में लूँ, कब ये नसीब होगा, शायद कल मुझे मिल जाए। तो फिर जब हमें मिल जाएगा बेबी, उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे उसका पिक्चर, वीडियो, सब कुछ, और उसको मिलवाएंगे आप सब से। तो चलिए बस अभी ढेर सारा प्रेयर कीजिए, दुआ दीजिए कि मेरा बच्चा अच्छा हो और जल्दी से हमें मिल जाए, और उसके आने के बाद ही हम लोग जाएंगे घर, डिस्चार्ज होंगे। तो देखते हैं कल तक क्या होता है। ये 17 मई का क्लिप है जब मेरा बच्चा डिस्चार्ज होके आया नर्सरी से, उसके पापा उसको लेकर आए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, 36 घंटे के बाद मुझे मेरा बेबी मिला। तो बहुत बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा था उसे देखकर। प्रियांशी बहुत खुश थी, हम लोग सभी बहुत खुश थे, और वो सबको देखे जा रहा था आँख खोल करके, इधर उधर सब कुछ देख रहा था, बहुत प्यार है। और जब इतने टाइम बाद बेबी मिली, डिलीवरी के बाद हमने देखा नहीं था, इतने टाइम बाद मिला तो खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। दिन भर में मैंने पता नहीं कितनी बार मैं इमोशनल हो गई कि मुझे कम से कम मेरा बेबी दे दो, लेकिन उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस वजह से उसे एडमिट रखा था। सो फाइनली मुझे मेरा बेबी मिल गया है और अभी हम बस उसे देखे जा रहे हैं। बहुत प्यारा है, आप सबको दिखाऊँगी। और उसका क्या हुआ है, हमको बेबी बॉय या बेबी गर्ल, ये भी बताऊंगी अगले वीडियो में। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से घर, और अगले वीडियो में मैं इसका नाम भी बताऊंगी, इसका फेस भी दिखाऊंगी, इसका जेंडर भी रिवील करूंगी, सब कुछ। प्रियांशी का साथी आ गया है, अब वो अकेली नहीं रही, अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो कह रही है मम्मा मुझे दे दो, मैं लूँगी गोदी इसको। तो अभी बस उसको प्यार कर रही है, खिला रही है, और घर जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आप लोग से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी बेबी को दीजिए ढेर सारा प्यार, दुआ, और ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, और गेस कीजिएगा कि क्या हुआ है हमें। आप सबको मैं मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।